मित्रों राधे राधे, कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। मित्रों, जीतिया व्रत पूजा करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है और पूजा करने की विधि क्या है, इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये सब जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, जीतिया व्रत हर वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से लेकर नवमी तिथि तक मनाया जाता है। पहले दिन नहा खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, सुखी और निरोग जीवन के लिए किया जाता है। जीवतिया के दिन सभी महिलाओं को व्रत कथा कहनी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। जीतिया व्रत की कथा सुनने मात्र से जीवन में कभी संतान वियोग नहीं होगा, इसलिए संतान के सुखी जीवन और स्वास्थ्य जीवन के लिए यह व्रत रखा जाता है। जीतिया के दिन महिलाएं स्नान करती हैं और स्वस्थ वस्त्र धारण करके जिमूतवाहन की कूसा से निर्मित प्रतिमा बनाती हैं और मिट्टी तथा गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति बनाकर फिर इसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाती हैं। फिर पूजा की सामग्री को पूजा स्थल पर रखकर पूजा शुरू करती हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ पूजा सामग्री। धूप, दीप, चावल, पुष्प, कूस से बनी मूर्ति, जल, मिट्टी का पात्र, पीली मिट्टी, लाल मिट्टी आदि।